ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। श्रवण मास में किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए कि भगवान शिव को हम प्रसन्न कर सकें, भगवान शिव के हम प्रत्यक्ष दर्शन कर सकें, क्या ऐसा कोई विधान है? इस विषय में कई बार कमेंट्स आ चुकी थी, तो मैं आज आपको शास्त्र प्रमाणित एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर उनके साक्षात दर्शन कर सकते हो। वैसे दर्शन चाहे आपको श्रवण के माध्यम से हो या फिर आपको प्रत्यक्ष किसी के रूप में हो, लेकिन आपको दर्शन हो जाएंगे, ये सत्य है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्या विधान है, क्या तरीका, वो सभी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आप इस तरीके को यदि फॉलो करते हैं तो 100% आप भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएंगे और उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी कर पाएंगे, चाहे वह आपको मूर्ति के रूप में हो या साक्षात्कार प्रत्यक्ष दर्शन हो, और जो आपकी अभिलाषा होगी, आपकी इच्छा होगी, वह भी 100% पूर्ण होगी। क्योंकि श्रावण मास जो होता है ये भगवान शिव को समर्पित है। श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना है, और या ये कह लीजिए कि श्रावण मास भगवान शिव का ही महीना है, क्योंकि इसमें भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। 12 महीनों में श्रावण मास पूजा का सबसे उत्तम महीना होता है, और इसमें भगवान शिव की पूजा की जाती है। श्रावण के महीने में किसी प्रकार की कोई भी शादी नहीं होती, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की शादी हुई थी, इसलिए भगवान शिव का श्रावण का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और जो हलाहल विष का जो समुद्र मंथन हुआ था, हलाहल जो विष ग्रहण किया गया था, यह भी श्रावण मास में ही सारा कार्य हुआ था। तो श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। भक्त लोग जल से भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं, जिससे भगवान शिव को शांति प्रदान करने के लिए जलाभिषेक गंगा जल, अन्य प्रकार के आसपास नदियों से जल ला कर भगवान शिव को समर्पित किया जाता है। तो ऐसे ही एक तरीका है, यदि आप उसको फॉलो करते हैं तो आप भगवान शिव के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको किसी मंदिर या अपने घर पर ही एक स्थान ऐसा चुनना होगा जहां पर आप अकेले हों। ध्यान रखना, या तो आप मंदिर में कर सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं। करने का जो समय है वो आप समझ लीजिए, इस समय आप करना किस समय, या तो आप सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 7-7:30 बजे तक, दिन सूर्य निकलने के कुछ समय बाद तक, या फिर शाम को 4 बजे के बाद आपको ये कार्य करना, दिन में नहीं कर सकते। करना क्या है कि या तो आप मंदिर में करें, अपने घर पर करें, एकांत कमरा इसके लिए आपको चाहिए होगा, पूरे महीने के लिए आपको एक कमरा एकांत में चाहिएगा। उसमें आपको करना क्या है, भगवान शिव की नटराज की मूर्ति लानी है। ध्यान रखना, भगवान शिव की नटराज की, जो नृत्य करते होते हैं भगवान शिव, वह नटराज की मूर्ति आपको लानी है। मूर्ति यदि आपको मिल जाती है तो मूर्ति ले आए, और यदि आपको भगवान शिव का बड़ा पोस्टर मिल जाता है, पोस्टर क्योंकि बड़ी मूर्ति तो ला नहीं सकते, बड़ा पोस्टर यदि आपको मिल जाता है तो बड़ा पोस्टर भी लाकर आप घर में लगा सकते हैं, और उनके ऊपर आपको फूल आदि समर्पित कर आपको एक अखंड ज्योत जलानी है। भगवान शिव की देसी घी की एक अखंड ज्योत जलानी है, कंटिन्यू एक महीने तक आपकी कंटिन्यू सेवा रहेगी। सुबह शाम आप वहाँ पर पूजा करेंगे, सुबह शाम आरती करना, भोग लगाना, उनकी सेवा करना, ये तो आपका कंटिन्यू नियम रहेगा। लेकिन इसके अलावा जो मेन चीज़ है, करना क्या है, मेन पॉइंट वो ये है कि आपको भगवान शिव की नटराज की मूर्ति के सामने एकांत में, चाहे शिव मंदिर हो या कमरा हो, घर हो, और आपको करना क्या है कि आपको शिव तांडव स्तोत्र को कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, और उसको याद करने के बाद आपको भगवान शिव के सामने नृत्य करते हुए उसका आपको व्याख्यान करना है। आपको शिव तांडव स्तुति नृत्य करते हुए करना है, अपने आप को नृत्य करते हुए भगवान शिव के सामने, नटराजी मूर्ति के सामने शिव तांडव स्तोत्र का आपको पाठ करना है। ये ही स्तोत्र रावण ने किया था, जब भगवान शिव को रावण ने प्रसन्न किया था और प्रसन्न कर 10 शिशुओं का वरदान प्राप्त किया था। रावण ने एक बार में ही भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। आपको ये कार्य प्रतिदिन पूरे श्रावण मास करना है, आपको 1 साल का फल मिल जाएगा। क्योंकि इसका जो नियम है, यदि श्रावण में नहीं कर सकते तो यह है 1 शिवरात्रि से लेकर अगली शिवरात्रि तक कंटिन्यू 1 साल का इसका नियम है। 1 साल तक शिव तांडव स्तोत्र का नृत्य करते हुए भगवान शिव के सामने जो उनका बखान करेगा, शिव तांडव स्तोत्र का गुणगान करेगा, उसका जाप करेगा, उसका पाठ करेगा,
भगवान शिव के सामने नृत्य करते हुए भगवान शिव उसके सामने प्रत्यक्ष आकर खड़े हो जाते हैं। ये शास्त्र प्रमाणित चीज है, लेकिन इसी का तोड़ विद्वानों ने दूसरा निकाला कि यदि आप पूरे साल नहीं कर सकते तो आप श्रावण मास में कर दें। श्रावण मास एक साल के बराबर होता है, एक श्रावण मास में करने से आपको एक साल का फल मिल जाएगा। इसी प्रकार श्रावण मास में जो पाप कर्म करते हैं वह भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर मिलता है, पुण्य करते हैं वह भी कई गुना ज़्यादा बढ़कर मिलता है। साथ ही सभी भक्तों को मैं ये भी कहूँगा कि पूरे श्रावण मास ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। श्रावण मास एक ऐसा मास होता है जो पूरे साल की गणना करता है, पूरे साल के समान एक श्रावण मास होता है। तो श्रावण मास में ब्रह्मचार्य का विशेष ध्यान रखें, और जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ इस प्रकार आप भगवान शिव का दीपक कंटिन्यू दीपक जला कर यदि शिव तांडव स्तोत्र के द्वारा आप एक साल तक नृत्य करते उनको सुनाते हैं, एक बार ही सुनाना है, बार बार नहीं सुनाना, चाहे सुबह सुनाए या शाम को 4 बजे के बाद नृत्य करते हुए शिव तांडव स्तोत्र आपको एक बार पढ़ना है नृत्य करते हुए। याद नहीं है तो हाथ में किताब लेकर नृत्य करते हुए तब भी आप पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। एक महीना कंटिन्यू आप इस प्रकार पढ़ें, भगवान शिव आपके सामने 100% प्रकट हो जाएंगे। ये सत्य शास्त्र प्रमाणित चीज़ है, इसको आप करो, आपकी मनोकामना 100% पूर्ण होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।